हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं BS मीना, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, राजस्थान। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ टेंशन रेशियो एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रॉब्लम करना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम करते हैं ये पारेषित शक्ति के बारे में। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है, एक पट्टा 60 सेंटीमीटर व्यास की पुली पर 240 आरपीएम की गति से घूम रहा है। बेल्ट व पुली के बीच घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है। छादन कोण 160 डिग्री है। छादन कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यदि बेल्ट में अधिकतम तनाव 2500 न्यूटन हो, यानी जो बेल्ट है उसमें मैक्सिमम टेंशन 2500 न्यूटन हो, तो बेल्ट ड्राइव द्वारा पारेषित शक्ति का मान ज्ञात करो, यानी बेल्ट द्वारा कितनी शक्ति पारेषित की जा रही है ये अपन को ज्ञात करना। तो साथियों, सबसे पहले जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए क्या क्या जो मान है, किस किस चीज़ के मान है अपन को गिवन है, और अपन को क्या ज्ञात करना है उसके लिए कौन कौन से मानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन को पारेषित शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को पारेषित शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए पारेषित शक्ति का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो अपन को ज्ञात होना चाहिए कि जो पावर ट्रांसमिटेड होती कितनी है, क्या है। तो अपन मान लो पारेषित शक्ति पी अपन मानते हैं, तो पी बराबर होता है T1 - T2 × V। ठीक है, ये न्यूटन मीटर पर सेकंड में या फिर इसको वाट में बोल सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पारेषित शक्ति का मान ज्ञात करने के लिए हमको T1, T2 और V का मान ज्ञात होना ज़रूरी है। इनका मान ज्ञात होगा तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम प्रॉब्लम को ढंग से पढ़कर उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको गिवन है, कौन कौन से मान हमको दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो मान दे रखे हैं उनको हम गिवन मान है उनको हम नोट करते जाते हैं। तो सबसे पहले डी जो है, वो जो पुली का डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आरपीएम दे रखे हैं पुली के, वो 240 आरपीएम है चक्र प्रति मिनट। कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन दे रखा है वो है 0.25। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको छादन कोण बोलते हैं वो दे रखा है 160 डिग्री। अब यह ध्यान रखना चाहिए, ये मान दे रखे हैं, जैसे हमको एंगल का मान रेडियन में चाहिए होता है तो ये डिग्री में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 160 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मान आ गया 2.79 रेडियन। और अपन को अधिकतम तनाव यानी T1 जो मानते हैं अपन, अधिकतम तनाव वो दे रखा है 2500 न्यूटन। ठीक है, तो ये मान अपन को दे रखे हैं और अपन को T1, T2, V इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गिवन जो अपन को मान दे रखे हैं उनसे किस किस की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो T1 अपन को दे रखा है, T2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे टेंशन रेशियो का, T1 / T2 बराबर होता है e^μ θ। तो यहाँ पर e^μ θ, म्यू का मान दे रखा है 0.25 और थीटा का मान दे रखा है 2.79। ठीक है, तो यहाँ पर T1 / T2 बराबर आ जाएगा 0 e^0.69, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू आएगी, और इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो T1 / T2 बराबर 2 आ जाएगा। इस मान को ज्ञात करने के लिए दूसरा लॉग की टर्म्स में इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2.3 log T1 / T2 बराबर μ θ होता है टेंशन रेशियो। तो इसको log T1 / T2 रखेंगे तो μ θ / 2.3, तो μ θ का मान अपन ने ज्ञात कर लिया 0.69, तो 0.69 रख दिया / 2.3, तो log T1 / T2 बराबर 0.3 आ जाएगा, और जब इसको log हटाएंगे T1 / T2 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है कि आप उस मान को किस तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ आ गया T1 / T2 बराबर 2, और अधिकतम मान जो T1 की वैल्यू है वो अपन को दी हुई है 2500 न्यूटन। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, जो इसको जो T2 ज्ञात करना है तो इसको इस तरह लिखते हैं, T2 बराबर T1 / 2। तो T1 2500 है / 2 है तो ये आ जाएगा 1250 न्यूटन। ठीक है,
टी टू ज्ञात हो गया, टी वन ज्ञात अपन को दे ही रखा है, टी टू ज्ञात हो गया, अब मान ज्ञात करना है वी का। तो हम जानते हैं कि वी बराबर जो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट का है वो होता है पाई डी एन अपॉन 60। तो यहाँ पर पाई का मान हमको जानते ही हैं और डी का मान यहाँ पर रख दिया 0.06, एन गिवन है ही 240 RPM अपॉन 60। तो इसको कैलकुलेशन किया तो ये मान आ गया 7.536 मीटर पर सेकेंड, तो वी का मान आ गया। अब हम आसानी से पारे से शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं ये मान, टी वन 2500 है, टी टू 1250 है, वी का मान 7.536 है, ये रख दिए। अब इनको कैलकुलेशन करेंगे तो पी का मान आ जाएगा 9420 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं 9420 वाट। ठीक है, अगर अपन को किलोवाट में पूछा जाता मान तो इसको 1000 से और डिवाइड कर दो तो ये 9.420 किलोवाट में आ जाएगा। तो एक तो जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर यूनिट्स लिखते नहीं हैं, सीधा मान ऐसे लिख देते हैं, या तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते किस तरह, जबकि सीधा सा जो भी वैल्यू दे रखी है जैसे ये टी वन टेंशन है न्यूटन में दे रखा है एक मीटर पर सेकंड में, तो जो टेन न्यूटन मीटर पर सेकंड, और ये जानते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड वाट होता है, तो इस प्रकार इनकी ये यूनिट्स ये लिखना ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, वो लिखते नहीं यूनिट्स, तो ये एग्जामिनर के ऊपर वो कितना मार्क्स काट दें, और कई बार लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं, तो इसलिए ये यूनिट्स भी साथ में लिखना ज़रूरी है।